की। वहीं अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट अजय श्रीवास्तव ने बताया कि बसंत पंचमी के मौके पर पिछले 7 सालों से सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। इस बार कोविड को देखते हुए कोरोना के नियमों के साथ इस पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताना है। हमारी आने वाली पीढ़ी को माँ सरस्वती के पूजन के बारे में बताना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया तो हम धीरे धीरे अपने संस्कारों को भुला देंगे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर डीबी चौधरी ने किया। मैं अजय श्रीवास्तव इंद्रधनुष बिल्डिंग का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम? हाँ, आज हम लोग पिछले 7 वर्षों से लगातार बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती देवी की पूजा का आयोजन करते रहे हैं और इस वर्ष भी हम लोगों ने उस पूजा का आयोजन किया है। हालांकि कोरोना में थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन उस प्रोटोकॉल को पूरा पालन करते हुए आप डॉक्टर चौधरी और आप डॉक्टर दत्ता दो लोग मुख्य रूप से इस कार्य को हमेशा से पिछले 7 वर्षों से करते आए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को हमारे जो संस्कृति है, जो हम जैसे ये सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य बच्चों को जो हमारी आगे आने जनरेशन है उनको जरूर से पता होना चाहिए, वरना धीमे धीमे हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि बिल्डिंग में सभी लोग साथ मिलके पूरी सद्भावना से प्यार से रहते हुए सब त्यौहार मनाते हैं, तो ये साथ रहने के लिए भी समाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खबर देहरादून से, जहां मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए भाजपा